सो हे देयर, व्हाट्स गोइंग ऑन YouTube, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो हियर ऑन दी चैनल। मेरा नाम है धूमेंद्र। आज के इस वाले वीडियो में आप लोग जो है MSI GF65 का जो है अनबॉक्सिंग करने वाले, साथ ही साथ इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखने वाले हैं। तो कुछ इस टाइप से आता है इसका बॉक्स। ये जो है अपन लोग को फ्लिपकार्ट से आज ही डिलीवर हुआ है और अपन लोग जो है खोल के देखते हैं कि बॉक्स के अंदर लैपटॉप है कि क्या है। तो अपन लोग जो है अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। तो बॉक्स के अपन लोगों ने टेप जो है फाड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हम लोग का आउटर शेल जो है, निकलने वाला है। तो यहां पे आपको जो है बिल देखने को मिल जाता है। बिल को रखते हैं साइड में। उसके बाद यहां पे आपको जो है MSI का जो बॉक्स है वो देखने को मिलता है। इस वाले बॉक्स को रखते हैं अपन लोग जो है साइड में। तो MSI का जो बॉक्स है लैपटॉप का, कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। एक बार जो है मैं इसका स्पेसिफिकेशंस मिला के देख लेता हूं कि हाँ ठीक है, स्पेसिफिकेशंस ठीक है, GF65 ही है। तो अब जो है हम लोग जो है लैपटॉप का जो बॉक्स है उसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे आपको यार एकदम सील पैकेजिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक टेप बस चिपका हुआ रहता है। तो टेप को जो है अपन लोग ऐसे फाड़ लेते हैं। टेप की बात, फिर से आपको अंदर में एक बॉक्स देखने को मिलता है, मतलब कि बक्से के अंदर बक्सा, उसके अंदर है लैपटॉप। तो इस टाइप का कुछ बॉक्स आपको फिर से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है यार MSI का जो है फिर से एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे उसका लोगो, और यहाँ पे आपको जो है जो मेन मटेरियल है उसका स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो यार अपन लोग जो है बॉक्स खोलने वाले और देखने वाले कि क्या है अंदर में। तो इस टाइप का कुछ बॉक्स है, उसको अपन लोग खोल के देखते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है बॉक्स दिख जाता है। बॉक्स में यहाँ पे आपको जो है लैपटॉप देखने को मिल जाता है। लैपटॉप को रखते हैं साइड में। और कुछ इस टाइप का जो है बाकी चार्जर और इसका केबल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसको अब इन सब चीजों को रख लेते हैं अपन लोग जो है साइड में। और इसके बाद मेन जो अपना लैपटॉप है वो ये है। ओके, तो लैपटॉप यार काफ़ी ज़्यादा हल्का है, उतना ज़्यादा वेट नहीं है लैपटॉप का। कुछ इस टाइप का है जो लैपटॉप है, अगर आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन में। तो ये अपना लैपटॉप है। इसके बाद इसका जो है बूटिंग वगैरह सब चीज़ मैं सेटअप करके आपको जो है मिलता हूँ। तो तुम्हारे भाई का जो है टी शर्ट चेंज हो गया, मतलब कि अपन लोगों ने इस लैपटॉप को पूरा अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है, प्रॉपर चेक कर लिया कि आपको ये लैपटॉप खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, तो बैठो और इन्जॉय करो। इस लैपटॉप के साथ यार एक चीज़ जो है करना रह गया था, वो है कि इसका ये जो पॉलीथीन है ये वाला, उसको निकालना बच गया था। तो इसको अपन लोग निकाल के रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं प्रॉपर इस लैपटॉप के बारे में। इस लैपटॉप में जो है आपको इंटेल कोर i5 10th जेन देखने को मिलता है, जो कि 10500H मॉडल है। इसके साथ साथ इस लैपटॉप का जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो आपका 2.5 GHz है। बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको 4.5 GHz तक देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यार जो प्रोसेसर है वो 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, जो कि आपके डेली टू डेली जो टास्क होता है वो एकदम ईजिली तरीके से हैंडल कर लेगा। इस लैपटॉप की अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको जो है NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 6 GB GDDR6 मेमोरी के साथ एक लैपटॉप देखने को मिल जाता है, जो कि जितने भी AAA टाइटल्स है उसको काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के रैम के बारे में। इस लैपटॉप में आपको जो 16 GB DDR4 मेमोरी देखने को मिलता है, जो कि 2933 MHz की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। इसके साथ साथ यार ये जो रैम है ड्यूल चैनल रैम है। और इसकी स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है WD का ब्लैक SSD देखने को मिलता है, जो कि 512 GB के SSD के साथ आता है। मतलब कि आपको यहाँ पे फुल फ्लैश एकदम प्रीमियम क्वालिटी का SSD डाल के दिया है MSI वालों ने। इसके साथ साथ अगर आपको SSD और लगाना है तो यहाँ पे आपको M.2 का एक और एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो यार लैपटॉप को थोड़ा साइड में रखते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रॉपर डिज़ाइन और बिल्ड के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि MSI के जितने भी लैपटॉप आते हैं 1 लाख के नीचे तक के, उन सभी लैपटॉप्स का जो है
प्रॉपर जो चैसी होता है और डिज़ाइन होता है सिमिलर होता है। इसका डिज़ाइन भी सिमिलर टाइप का ही, कोई नया चेंजेस नहीं देखने को मिला है। मतलब कि ये जो डिज़ाइन है सेम डिट्टो MSI Bravo 15 जो कि मैंने पिछले कुछ महीने पहले रिव्यू किया था, वैसी ही सेम डिज़ाइन है, सेम चैसी है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। इस लैपटॉप की अगर सॉलिडनेस की बात करें तो यार ये जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड डिज़ाइन के साथ आता है। मतलब किसी को अगर फेंक के मारोगे तो उसका सर फूट जाएगा, इतना ज़्यादा सॉलिड डिज़ाइन के साथ आता है ये जो लैपटॉप है। इसके साथ जो इसमें मटेरियल यूज़ किया है प्लास्टिक का, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है एज़ कम्पेयर टू जितने भी लैपटॉप मैंने उस प्राइस रेंज में यूज़ किया है, जैसे कि एसर हो गया, असूस हो गया, उनसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगा इसका जो मटेरियल है, प्लास्टिक की क्वालिटी है। इसके साथ साथ इसके अगर लिड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मस्त वाला फिनिश देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है मेरे को। ये सेम बात मैंने MSI Bravo 15 के लिए भी बोला था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यार वो जो फिनिश है वो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई ग्लोइंग लोगो देखने को नहीं मिल जाए, नॉर्मल लोगो प्रिंटेड है। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड और ट्रैकपैड के बारे में। तो इस लैपटॉप में आपको जो कीबोर्ड मिलता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कीबोर्ड देखने को मिलता है। इसका जो कीबोर्ड का साइज़ जो बटन्स है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, आपको टाइप करने में मज़ा आ जाएगा क्योंकि इसका की ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ इसमें जो है आपको रेड कलर का जो है बैकलिट देखने को मिल जाता है जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा कूल दिखता है अगर आप जो है रात में गेमिंग करते हो तो। इसके साथ इसके ट्रैकपैड की बात करें तो इसका जो ट्रैकपैड यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मस्त प्रिसीजन टच देता है, आपको कोई गोस्टिंग टच का इशू देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो ट्रैकपैड है, ट्रैकपैड को अब ऐसे छूते हो ना तो ये जो नीचे कुछ मटेरियल है ही नहीं ऐसा टाइप का फील होता है, मतलब नीचे पोला है, सॉलिड नहीं है ऐसा फील होता है। जब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो इस लैपटॉप का जो ट्रैकपैड है थोड़ा सा ईव टाइप का फील देता है, बाकी ऐसा वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं करता। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। इस लैपटॉप में आपको जो 15.6 इंचेस का IPS पैनल देखने को मिलता है जो कि फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है 144Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जो लैपटॉप है 45% LTSC कलर गैमिट के साथ भी आता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस लैपटॉप को जो डिस्प्ले है, गेमिंग वगैरह है, मूवी भी देखोगे तब ठीक है, बट ऐसे अगर आप जो है वीडियो एडिटर हो या फिर किसी भी टाइप से जो ग्राफिक प्रोफेशनल वगैरह डिजाइनिंग वाला काम करते हो तो उस चीज़ के लिए जो लैपटॉप का डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपको जो है येलोइश टाइप का जो टिंट देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा अनॉइंग लगता है, बाकी अदरवाइज इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के बेंचमार्क्स के बारे में। तो यार इस लैपटॉप में मैंने जो Cinebench R23 ट्राई किया था तो वहाँ पे आपको सिंगल कोर का जो परफॉर्मेंस है वो 1084 के अराउंड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो आपको जो है 9976 के अराउंड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बेंचमार्क्स है उस प्राइस रेंज के जितने भी लैपटॉप्स आते हैं। यहाँ पे यार जो प्रोसेसर है वो Ryzen 5 से थोड़ा सा स्लाइटली कम परफॉर्म कर रहा है, बट वो कोई बात नहीं, चलता है। तो इस लैपटॉप में यार मैंने जो है 3 से 4 गेम ट्राई किया था। जो पहला गेम है आपका वेलोरेंट है, यहाँ पे आपको जो है 105 से 120 तक के FPS देखने को मिल जाते हैं मैक्स सेटिंग में। इसके साथ साथ Assassin's Creed Unity के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो है मैक्स यार 60-70 FPS के अराउंड देखने को मिल जाता है मैक्स सेटिंग में। इसके साथ साथ अगर आप फायर क्राई की बात करें तो यहाँ पे आपको अगेन मैक्स सेटिंग में 75-90 FPS के अराउंड जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है जो फ्रेमिंग का है। इसके साथ साथ अगर इसकी हीटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो यार ये जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, 90-94 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो ये लैपटॉप चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको हीटिंग के लिए जो है 6 हीट पाइप्स देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 एक्टिव फैंस भी देखने को मिलता है जो कि इस हीट को चुटकी में ऐसे गायब कर देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हीटिंग नहीं होगा, बट इस लैपटॉप का जो हीटिंग मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। काफ़ी ज़्यादा ओपन वेंट्स है, मतलब कि आपको नीचे में पूरा का जो सरफेस है वो पूरा खुला खुला दिखेगा, आइट साइड में चारों तरफ जो है आपको हवा निकलने के लिए जगह देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स के बारे में। तो इस लैपटॉप में आपको जो है राइट साइड में कैंगस्टन लॉक का पोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 1 RJ45 का पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 Type-C पोर्ट और 2 Type-A पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ यार ये जो चारों पोर्ट जो है USB 3.2 के साथ आते हैं जो कि Gen 1 है। इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे आपको जो है 1 HDMI का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ अगर अपन लोग वाईफाई की बात करें तो यहाँ पे आपको वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ की बात करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। अगर आप जो गेमिंग वेमिंग डाउनलोड वाउनलोड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मजा आने वाला है आप लोग को। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप की स्पीकर के बारे में। तो इस लैपटॉप में आपको जो ड्यूल स्पीकर मतलब स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है जो कि एक डाउन फायरिंग स्पीकर है। इस लैपटॉप का जो स्पीकर है काफ़ी ज़्यादा लाउड लगा मेरे को एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी लैपटॉप्स आते हैं। यहाँ पे आपको जो है टोटल 4 वाट
आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो यार ये जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लैपटॉप है। तो यहाँ पे मैं आपको 4-5 पॉइंट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यार इसका डिज़ाइन। इस लैपटॉप का डिज़ाइन जो है यार एकदम ज़्यादा जेनेरिक डिज़ाइन है। MSI के बहुत सारे लैपटॉप्स में ये सेम डिज़ाइन यूज़ होता है, जैसे कि MSI Bravo 15 मैंने रिव्यू किया था, आपको यहाँ पे आई कार्ड में बटन मिल जाएगा। तो उस लैपटॉप का डिज़ाइन और इस लैपटॉप का डिज़ाइन एकदम ही ज़्यादा क्लोज टू सिमिलर है। यहाँ पे आपको इंटरनल चेंजेस देखने को मिल जाता है, बट जो आउटर शेल का जो डिज़ाइन है इतना सा भी फर्क देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप इसके डिज़ाइन के साथ ओके हो तो बिल्कुल खरीद सकते हो इस लैपटॉप को। दूसरा पॉइंट यार इसका बैटरी, इसके बैटरी बैकअप की यार मैं क्या बताऊँ। इसका बैटरी बैकअप जो है आपको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलने वाला, 1.5 से 2 घंटे से अगर आप जो है गेम वेम खेलते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसमें भी ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए आपको जो इस लैपटॉप को हमेशा प्लग इन करके ही चलाना पड़ेगा, 60% बेस्ट फॉर बैटरी लाइफ के लिए। इसके बाद अगर इसके तीसरे पॉइंट की बात करें परफॉर्मेंस, तो इस लैपटॉप में आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है वो बाकी किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलेगा, उस जितने भी प्राइस रेंज के हैं उस लैपटॉप की तुलना में। मतलब मैं ग्राफिक्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो इस लैपटॉप में आपको जो है ट्रिपल ए टाइटल्स के गेम्स जो है 60-70 FPS के अराउंड दे देंगे। तो ये चीज़ यार इस लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके बाद इस लैपटॉप में मेरे को थोड़ा सा स्लाइटली कम परफॉर्म लगा राइजन वाले सीरीज, मतलब राइजन 5 का जो प्रोसेसर आता है उससे इतना सा जो है कम परफॉर्म करता हुआ दिख जाता है इसका प्रोसेसर जो है। अगर बेंचमार्क्स अगर खोल के देखोगे आप इंटरनेट में तो आपका जो प्रोसेसर का बेंचमार्क है इतना ही स्लाइटली कम देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर इसके जो है अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो इस लैपटॉप के कॉम्पिटिशन में कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, मतलब खड़ा होता ही नहीं कोई लैपटॉप इस लैपटॉप के सामने। यहाँ पे आपको कोई दूसरा ब्रांड ऑफर करता ही नहीं है 1660 Ti 75,000 के प्राइस रेंज में। तो अगर आपको 1660 Ti चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए, आपको ट्रिपल ए टाइटल्स और अच्छा सा वीडियो एडिटिंग ग्राफिक चाहिए, तो आप यार इस लैपटॉप को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। पांचवे पॉइंट की बात करें फाइनल कंक्लूजन, मेरे थॉट्स कि आपको इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो यार इस लैपटॉप को आप डेफिनेटली खरीद सकते हो अगर आपको इसके डिज़ाइन से कोई दिक्कत नहीं है, तो बैटरी लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी यार परफॉर्मेंस और आपका जो ग्राफिक कार्ड्स का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है एकदम ही ज़्यादा टॉप नॉच का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है उस प्राइस रेंज के जितने भी लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यार अगर आपको दूसरा कुछ और डिज़ाइन चाहिए तो आप फ्री हो, आपको जो लैपटॉप लेना है वो ले सकते हो। बट अगर मेरे पास अगर मेरा बजट जो है 75,000 होता है एकदम ही ज़्यादा टाइट होता तो मैं यार इसी लैपटॉप का बाई करता अपने लिए। और थैंक्स टू मिस्टर देवेंद्र भाई, थैंक्स भाई लैपटॉप देने के लिए, शाउट आउट टू मिस्टर देवेंद्र। इसके साथ साथ अगर आप कोई लैपटॉप जो है देना चाहते हो, अगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एरिया से हो आप लोग, तो इंस्टाग्राम में मेरे को जो है DM कर सकते हो, मैं आपको जो है लैपटॉप बिल्कुल रिव्यू करूँगा यार, क्यों नहीं करेंगे हम लोग। तो ये था इस लैपटॉप का फुल रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।